नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेशन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक सुरेशन। दोस्तों, यहां हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई जो भी नई अपडेट होती है वो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, और जो लोग नए हैं वो आइकॉन पर जरूर प्रेस करना ताकि हमारा जो भी नया नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों तक पहुंच जाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ओबा ई विकास इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में बताएंगे। इस दमदार शानदार ऑटो रिक्शा के फ्रंट में दो LED हैलोजन हेडलाइट, साथ में दो इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर पट्टी के ऊपर एक शानदार डिजाइन, विंडशील्ड, लॉन्ग वाइपर और दो साइड में ग्लास देखने को यहाँ मिल जाते हैं। फ्रंट में ही 10 इंच का एक मजबूत टायर विद रियर सस्पेंशन देखने को यहाँ मिल जाता है। दोस्तों, ड्राइवर सीट पर अच्छा खासा स्पेस, लेग रूम, हैंडल बार, रिवर्स गियर, हैंड ब्रेक, डिजिटल स्पीडोमीटर, जिसमें फ्यूल, रेंज, स्पीड आदि की जानकारी मिल जाती है। लेफ्ट हैंडल पर लाइट, हॉर्न आदि के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वहीं राइट हैंड पर स्पीड मोड, रेस आदि के ऑप्शन देखने को यहाँ मिल जाते हैं। पैसेंजर सीट्स पर 3 से 4 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, जहाँ एक बड़ा लेग रूम देखने को मिल जाता है। बॉडी माइल्ड स्टील से निर्मित है और छत पर वाटरप्रूफ हार्ड क्लॉथ का उपयोग किया गया है। साथ ही बैक में दो LED लाइट देखने को यहाँ मिल जाती है। लंबाई चौड़ाई और स्पेस को अगर देखें तो आम रिक्शा के मुताबिक इस ऑटो रिक्शा में काफ़ी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। आइए अब जान लेते हैं इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में। ओबा ई विकास इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में अगर सीटिंग की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर 3+1 सीटिंग कैपेसिटी है, और यह है ऑटो रिक्शा L5 कैटेगरी में आता है। दोस्तों, वेट कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों इसमें 850 किलोग्राम, वहीं लिथियम आयन बैटरी 160 AH और 200 AH में यह ऑटो रिक्शा उपलब्ध है। रेंज की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें 120 से 140 किलोमीटर की रेंज आप लोगों को यहां देखने को मिल जाती है। वहीं चार्जिंग टाइम 4 से 5 घंटे का है। मोटर पावर की बात करें तो दोस्तों 4.267 किलोवाट का इसमें मोटर पावर दिया गया है। 10 इंच के टायर और 40 पैसे पर किलोमीटर की इसमें रनिंग कॉस्ट पड़ती है। दोस्तों, इसमें हाइड्रोलिक शॉकर एब्जर्वर का प्रयोग किया गया है। वहीं इस ऑटो रिक्शा की अगर प्राइस की हम बात करें तो दोस्तों 3,50,000 के आसपास यह ऑटो रिक्शा देखने को यहाँ मिल जाता है। उत्तर प्रदेश का काफ़ी चर्चित ऑटो रिक्शा है यह। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से जुड़ी हुई जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इंतजार कीजिए। नमस्कार।